सोचा था नहीं करूँगी बट जरूरी है एक्चुअली करती हूँ मैं कलर बट नॉट इन गुड कंडीशन अच्छी कंडीशन में दिखी एक्चुअली मैं खाने पीने का भी करता है मेरे बाल ना बहुत अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करेगी नहीं तो बिग फैन हूँ सिर्फ प्लम काजल की एंड उसे यूज करते जाए और कलरफुल 01 का है प्राइस इसकी भले ही प्लम काजल से कम है और सुबह ऑफिस जाते टाइम मैं इजीली अप्लाई करूँगी तो मुझे आंखें वसूल है अब मुझे लग रहा है मैंने इसमें भी पैसे क्यों डाले सिर्फ तो मैं प्लम ही खरीदी थी तो मैं ब्लैक में भी काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं फाउंडेशन लगा के तो आप कुछ अल्टरनेटिव वो भी बहुत लाइट और बिल्कुल नेचुरल वेयर है जिन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं फाउंडेशन बहुत अच्छी क्वान्टिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है बट सो फाउंडेशन और मेरे फर्क है फाउंडेशन बहुत हैवी रहता है स्किन पर तो जैसे कि आप इवनिंग जा रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं और हो गए इतने प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे ये था आज का मुझे बाल ही गया हे गाइस वेलकम टू माय चैनल यूट्यूबर दीवा सो गाइस अगेन मैं आप लोगों के साथ एक नायका हॉल लेकर आई हूँ नायका शॉपिंग हॉल पर उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहती थी लाइक सोचा था नहीं करूँगी बट ज़रूरी है एक्चुअली कोरोना केसेस आ रहे हैं मेरी सोसाइटी में भी एंड अभी मैं थोड़ा सा स्केयर्ड थी लाइक फिर भी मैं पहले बहुत ज़्यादा डरी हुई थी लेकिन अभी थोड़ा सा मैं यू नो वॉट डरने से कुछ नहीं होगा लेकिन पॉजिटिव हूँ मैं सोच रही हूँ हाँ ठीक है जो होगा देखेंगे क्योंकि यू नो बींग अ मदर अपने लिए इतना डर नहीं है अपने बच्चे के लिए ज़्यादा डर है सो ये चीज़ है तो होप सब ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी जो भी बढ़ रहे हैं वो जल्दी जल्दी ठीक हो बस मैं यही प्रे करती हूँ और इसके अलावा मुझे एक और चीज़ शेयर करनी थी मेरा एक वीडियो है हेयर मास्क का वो बहुत लोगों को पसंद आया और नहीं पसंद भी आया बहुत सारे लोगों के कमेंट थे उस पर तो एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही क्यूट सी बच्ची का था वो उसका नाम जानवी पारेख था शायद हाँ जानवी पारेख तो जानवी ने जानवी 15 साल की और जानवी ने मुझे पूछा कि वो क्या अपने बालों को कलर कर सकती हैं तो यार मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ जानवी अपने बालों को कलर मत करना बहुत छोटे हो आप करती हूँ मैं कलर बट नन इट्स डजेंट मैटर क्योंकि मैंने अपने बालों का ख्याल भी खूब रखा है जब आपकी एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है आपके बाल वाइट होने शुरू हो जाते हैं तो इट डजेंट मैटर बट अगर आपके बाल अच्छे हैं काले हैं तो उन्हें प्लीज़ मत खराब करो आजकल के बच्चों को बहुत लगता है एक दूसरे को देख के कि हमने बाल कलर कर लें बाल कलर कर लें तो ऐसा मत करो अगर आपके बाल बहुत अच्छे हैं यू नो वॉट जब बाल खराब होने शुरू होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब तक हमारे बाल काले अच्छे रहते हैं तब हमें लगता है अरे सब ठीक है बट ऑल ऑफ सडन जब बाल खराब होने शुरू होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें ठीक है मेरे भी बाल गिरे टूटे बट स्टिल इट इज़ गुड इट्स इन गुड कंडीशन अच्छी कंडीशन है अभी भी टचवुड मैं खाने पीने का भी बराबर से ख्याल रखती हूँ तो जानवी और जितने भी आपकी एज के बच्चे हैं छोटे बच्चे हो आप मेरे लिए 15 साल के हो तो बालों को कलर मत करना बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो फेक स्ट्रेंड्स आती हैं ऐसी लगाने के लिए लटे वो आप लगा के यहाँ पे ऐसे टक करके कर सकते हैं वैसा करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है सो अगेन शुगरकाई लगाओ आंवला खाओ आंवला पाउडर खाओ और जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिरे हैं सबसे पहले तो बहुत सारे रीजंस होते हैं एक रीज़न मैं मेंशन नहीं कर सकती लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हो खाने पीने का भी ध्यान रखो और ज़्यादा हीटिंग टूल्स ज़्यादा ब्लो ड्रायर मत करो अगर आपके बाल टूट रहे हैं और अभी मौसम बारिश का है तो इसमें खास ख्याल रखो कंडीशनिंग अच्छी होनी चाहिए बालों की तो मेरे अपने बाल कलर किए हैं तो मैंने कुछ अपने बालों के लिए भी खरीदा तो मैं आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूंगी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बियर मी गाइस चलिए शुरू करें सो ये मैंने खरीदे हैं कुछ प्रोडक्ट से खोल के देखती हूँ चलो मैंने सोचा इसके अंदर देखती हूँ सो ये है स्टार्स का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर मेरे पास ADS का पाउडर था जिसका मैंने रिव्यू भी किया था शुरुआत थी तब मेरी वो भी बहुत अच्छा था लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं अदरवाइज मैं वही खरीदने वाली थी तो मैंने इसके रिव्यूज अच्छे देखे थे नायका पे और मैंने इसे खरीदा इस पर देख लेते हैं क्या लिखा है ये येलो मैटे क्योंकि मेरा व्हाइटिश टोन है थोड़ा तो मुझे येलो मैट ही रहेगा अगर आपका फेयर है तो आप थोड़ा वाइट या जो वाइट ट्रांसल्यूसेंट पाउडर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं तो ये इस तरीके से कुछ आया बहुत अच्छा है मैं इसको ओपन करके देखती हूँ इसकी प्राइस है 400 और ये मुझे 400 का ही पड़ा है ये खोलेगा ऐसे या ये खोल गया
तो ये कुछ इस तरीके का, वाओ, तो ये बॉक्स इतना क्यूट सा है। एक्चुअली इस तरीके के बॉक्स आते हैं ना ट्रांसल्यूसेंट में, तो आसानी रहती है। जैसे बॉटल टाइप आता है ना, तो आपको पफ भी चाहिए होता है, फिर वो अलग से रखो, ये अलग से रखो, तो इसमें ये झंझट नहीं है। सो ये इस तरीके का है। तो जो लोग जैसे फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाना चाहते है ना, जिनको बेबी पाउडर से भी फुंसियाँ फेसेस पे एक्नेज आ रहे हैं, तो ये ट्रांसल्यूसेंट पाउडर बहुत अच्छा ऑप्शनल है। कुछ भी नहीं लगाना आपका ऑयल कंट्रोल करने के लिए, डेली में ही आपको ये यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ब्रांड्स के हैं, मुझे ये रीज़नेबल लगा और अच्छा भी लगा, इसके रिव्यूज भी अच्छे लगे। तो ये इस तरीके का रहेगा, इसको मैं रिमूव करूँगी। ये इस तरीके से हटा दिया मैंने, तो ये पाउडर निकल कर आ गया। तो ये ऐसे निकल कर आ रहा है, तो आराम से ऐसे हम पाउडर इसमें लेंगे। अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरे पहले पाउडर जैसा है। तो ये मुझे बहुत रीजनेबल लगा, और इस अगर इसमें ख़त्म भी हो जाए तो आप, अगर आपके पास फेस पाउडर है पुराना, तो आप इसको रीयूज भी कर सकते हो ना। अच्छा है बहुत, बस इसको ऐसे ऐसे प्रेस करना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे लगाना है। मुझे बहुत पसंद आया, इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा है। और ये 400 में कितने ग्राम्स है मैं आपको ये बता देती हूँ, ये 20 ग्राम्स है, 400 इसकी प्राइस है। इन सबके लिंक्स मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। इसमें से मेरी शैम्पू की बॉटल निकली है, वो, और ये कंडीशनर ऑर्डर किया था स्ट्रीक्स का। सो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, ये कलर प्रोटेक्ट शैम्पू है और ये कलर प्रोटेक्ट कंडीशनर है। तो जैसे कि अगर आप अपने बालों को कलर करते हैं, जैसे मैंने अपने बालों को कलर किया हुआ है, तो ये बेस्ट शैम्पू। एंड यू नो गाइस, वन थिंग इज दैट मैंने ये शैम्पू क्यों ऑर्डर किए, हालांकि इसमें केमिकल्स हैं और ऑब्वियसली मैंने भी बालों में केमिकल्स लगाए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्ट्रीक्स के जो कलर हैं वो और उसके कंडीशनर है, वो वाकई में मेरे जैसे बाल जो कि थोड़े हल्के वेवी और थोड़े से रफ और ड्राई हैं, उन बालों के लिए एक जादू का काम करता है। मेरे बाल ना बहुत शाइन और बहुत स्मूथ हो गए इसको लगाने से, ये शैम्पू और ये करने से। हालांकि मैं लॉरियल का यूज़ करती थी, तो मैंने सोचा चलो इनको भी एक ट्राई देके देख लेते हैं, अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो पुराने पे बैक स्विच कर देंगे। तो आप ये मैं समझेगा, हमें तो लॉरियल का बोल के खुद ही कर ली। एक्चुअली मेरे बाल कलर है, तो कलर को ज़्यादा देर तक प्रोटेक्ट और लंबा टिकाए रखने के लिए शैम्पू ज़रूरी है, और मुझे ये सूट भी कर गया लकीली। तो केमिकल्स मैं मना नहीं करूँगी, है इसमें केमिकल्स तभी तो। तो इसकी प्राइस मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, ये 275 का है, ये जो शैम्पू है 275 का है, और इसकी क्वान्टिटी है 250 ml। तो काफ़ी सस्ता ही है, हालांकि मेरे लॉरियल के शैम्पू थोड़े महंगे रहते हैं, 550 की बॉटल आती है एक, तो ये दोनों मुझे अंडर 500 ही आ गए। और ये जो बॉटल है कंडीशनर की, ये भी 275 की है और ये भी 250 ml की, तो दो देखने में दोनों बॉटल्स सेम हैं। और कंडीशनर तो मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था वीडियो हेयर हाइलाइट्स का, तभी मैंने कंडीशनर यूज़ किया था, और मुझे इतने अच्छे, काफ़ी दिनों तक मेरे बाल बहुत अच्छे रहते, मैनेजेबल रहते हैं, अदरवाइज़ जल्दी जल्दी बहुत वो जाते हैं, और मुझे ऑयलिंग का भी टाइम नहीं मिलता जॉब में, तो ये है इश्यू। तो ये शैम्पू थम्स अप। मैंने ऑर्डर किया था ये नायका का काजल, एक्चुअली मैं बिग फैन हूँ सिर्फ प्लम काजल की, एंड उसे यूज़ करते 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 गाइज मैं किसी भी काजल की तरफ नहीं दिखती, बट वो ख़त्म हो गया था, और मैं सोच रही थी क्यों ना कुछ पॉकेट फ्रेंडली ढूंढा जाए। और कलरसल काजल मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ध्यान रखना पड़ता है यू नो काजल में, कभी यहाँ से फैल गया कभी यहाँ से फैल गया। तो मैंने सोचा चलो इस काजल को एक ट्राई देते हैं, ये भी 275 अराउंड का आया था मुझे, 250-275 समथिंग का। और प्लम का काजल थोड़ा महंगा है, लेकिन यार गाइस दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये काजल मैंने लगाया, मुझे ईचिंग शुरू हो गई, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया ये काजल। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक यस कुछ तो केमिकल्स हैं इसमें, मेंशन नहीं कर रखा है, 1.2 ग्राम का है ये,
ब्लैक नाइट 001 का है। प्राइस इसकी भले ही प्लम काजल से कम है, अगर आप मैं इस काजल को मॉर्निंग टू इवनिंग लगाया मैंने गाइस, तो ये स्मच हो गया, ऊपर मेरी पफी आईज है तो यहाँ पर भी काजल लग गया, यहाँ पर भी लग गया, और आँखों में लगा तो यहाँ से फैलना शुरू हो गया। ये मैंने यही काजल लगाया हुआ है और सुबह ऑफिस जाते टाइम मैं यही अप्लाई करी थी, तो मुझे आँखें जल रही थी तो मुझे ये काजल पसंद नहीं आया। मैंने सोचा था चलो अच्छा लगेगा तो इसको ट्राई देंगे, थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली भी होगा, क्योंकि वो काजल 495 समथिंग का है, लेकिन गाइस पूरे पैसे वसूल हैं। अब मुझे लग रहा है मैंने इसमें भी पैसे क्यों डाले, इससे तो मैं प्लम ही खरीद लेती, तो मैं प्लम ही अगेन खरीदूंगी, मेरा प्लम का काजल खत्म हो गया, मैं हमेशा वही काजल यूज करती हूँ। सो फॉर दिस काजल अ बिग नो नो नो। निकला है लैक्मे मूव, तो नायका की पैकिंग बहुत अच्छी रहती है, चीज़ें ख़राब नहीं होती और डिलीवरी टाइम भी बहुत अच्छा है, मतलब मैंने दो तीन दिन पहले ही ऑर्डर किया था और ये चीज़ मुझे मिल गई। सो मैंने लैक्मे के काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, मैंने मेबेलिन का भी फाउंडेशन, मैं अब तक बहुत लंबे टाइम तक मेबेलिन का प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी फाउंडेशन, जो कि मेरा नेचुरल बफ था, तो लेकिन लॉन्ग टाइम पे लगाने से ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप ज़्यादा देर तक फाउंडेशन लगाते हैं तो आप कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढते हो। बीबी क्रीम भी मैं लगाती हूँ बट मेरी स्किन है ऑयली, तो कुछ भी लगाने के बाद थोड़ी देर में ऑयल फेस पे नज़र आने लगता है, स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है बट एक्चुअली नहीं होता ऐसा। सो ये देख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये है लैक्मे मूव मेड इन इंडिया, ये इसकी क्वान्टिटी है 25 ग्राम और इसकी प्राइस यहाँ पे 800 लिखी है गाइस, लेकिन ये 800 का नहीं है, बहुत सस्ता पड़ा मुझे, वो मैं आपको लिंक में दे दूंगी। मुझे कुछ 399 अराउंड का पड़ा, मतलब ऑलमोस्ट 400, हाफ ऑफ दिस प्राइस। एंड ये इसमें कंटेंट है SPF 8 और मेरा गोल्डन लाइट है मेरा शेड, और इसमें से कुछ इस तरीके से निकलता है। इसको देखे तो ना मुझे पोकेमॉन बॉल होती ना वो याद आ रही है, बिल्कुल वैसी लग रही है, बहुत क्यूट सी वो लगी बॉल, एंड इट्स रियली रियली गुड। इसको ओपन करके देखते हैं, सो ये कुछ इस तरीके का रहेगा। सो जो नेक लैक्मे का जो सूफले होता है वो भी बहुत लाइट और बिल्कुल नेचुरल वेयर है, जिन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है फाउंडेशन की लेयर लॉन्ग टाइम, मेकअप ज़्यादा हैवी पसंद नहीं करते, बिल्कुल नेचुरल लुक पसंद करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सूफले में थोड़ा सा ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ये इस तरीके से है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, क्वांटिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है बट ठीक है, ऑयल फ्री है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो ये ऑयल फ्री फाउंडेशन है, मैं इसको लगा के देखती हूँ। इट्स वेरी स्मूथ फिनिश, बहुत स्मूथ फिनिश है इसकी, इट हैज अ वेरी वेरी स्मूथ फिनिश, मतलब पता नहीं चल रहा है मुझे कि मैंने हाथ पे कुछ लगाया है, बिल्कुल मिक्स हो गया है, इट्स रियली रियली स्मूथ एंड मैट फिनिश। तो जिनकी ऑयली स्किन है, मैंने बहुत सारे रिव्यूज पढ़े और इसकी हाईलाइट्स जो भी इसकी क्वालिटीज हैं वो सब पढ़ी, और मैं सच बताऊं मैं बहुत टाइम से ऐसा ही मूव के बारे में सोच रही थी लेना, कि कुछ ऐसा फाउंडेशन हो जिसे हम अप्लाई करें और ताकि ऑयल स्किन भी ऑयली ऑयली ना लगे, क्योंकि क्या होता है ना फाउंडेशन लगाने के बाद आपको बार बार पाउडर से टचअप करना पड़ता है, वरना फेस जिनका बहुत ऑयली है बहुत ऑयली लगता है, जैसे कि मेरा, तो इसको लगाने के बाद फिर से देख लीजिए आप, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि कुछ लगाया है हाथ पे, एक्चुअली कैमरे पे शायद नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा अंतर तो दिख रहा है। इट हैज़ अ वेरी वेरी नेचुरल फिनिश और बहुत क्लीन नीट लुक दे रहा है ये, तो दिस प्रोडक्ट इज अ बिग थम्स अप, दिस इज वेरी वेरी गुड और पॉकेट फ्रेंडली है, और इसमें साइजेस भी आते हैं, मैंने 25 ग्राम का ऑर्डर किया, इसमें और भी आते हैं 50 और से थोड़े बड़े भी, तो मैंने सोचा था पहले मैं इसे ट्राई करूंगी और अच्छा लगा तो ही मैं इसका बड़ा बॉटल खरीदूंगी। सो दिस इज वेरी वेरी गुड फाउंडेशन, एक्चुअली ऑयल फ्री फाउंडेशन और मूव्स, सो फाउंडेशन और मूव्स में फ़र्क ये, फाउंडेशन बहुत हैवी रहता है स्किन पे, तो जैसे कि आप लॉन्ग टाइम पे, जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, अगर आपको मेकअप करना है, अगर आप कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं सिर्फ 2-3 घंटे के लिए तो ठीक है फाउंडेशन का हैवी यूज़, बट अगर आप मॉर्निंग टू इवनिंग जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा चाहिए कि हाँ
क्लियर लुक आए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और सीसी क्रीम से भी अच्छा लगा मुझे, सीसी क्रीम भी मैं यूज़ कर रही थी, उसका भी मैं रिव्यू लाऊंगी। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि सीसी क्रीम लगाने के, सीसी क्रीम इज़ ऑल्सो वेरी गुड बट ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये ऑयल फ्री है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी ऑयल फ्री स्किन है, और जिन लोगों को मेकअप करना पसंद नहीं है, जिनको क्लीन लुक चाहिए, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, वैसे नायका पे आप सर्च करोगे तो मिल। ये था मेरा रिव्यू, और हो गया, इतने ही प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे। ये था आज का वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आप मेरे साथ बने रहिए, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए बहुत अच्छी DIYs लाने वाली हूँ, नाइट क्रीम लाने वाला। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया था उनके बाल गिर रहे हैं, बहुत ड्राई हो गए हैं, स्ट्रेटनिंग करवाई, उन लोगों के लिए भी मैं होममेड मास्क लेकर आने वाली हूँ। क्योंकि अभी टाइम ऐसा चल रहा है ना कि अगर आप बहुत कन्फ्यूजन में आप कुछ चीज़ ऑर्डर करें या ना करें, अब जैसे यहाँ पर भी मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ तो मुझे बाहर लेने जाना पड़ता है, बिकॉज अंदर किसी बाहर वाले की एंट्री है नहीं। सो मैं आप लोगों के लिए एक होममेड हेयर मास्क लेकर आने वाली हूँ जल्दी, और एक नाइट क्रीम का वीडियो लाऊंगी घर पे कैसे बना सकते हैं। तब तक मेरे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो उसे एक लाइक ज़रूर दे देना, और कमेंट करके बताना आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी इन सब में से। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।